इंदिरा नगर गाजियाबाद में आने के बाद मुझे पता चला कि गुड़गांव में भी फर्रुखाबाद नाम का एक नगर है। मन में विचार आया कि एक ही नाम के दो शहर, ये कैसे संभव है। पढ़ने पर पता चला कि इसका नाम फर्रुखाबाद नहीं बल्कि फर्रुख नगर है। शहर को 1732 में बादशाह फर्रुख सियार के सेनापति नवाब फौजदार खान ने बसाया था। फर्रुखाबाद शहर को बसाने के लिए मोहम्मद बंगश ने 12 गेट बनवा किलेबंदी की थी। फर्रुख नगर बसाने के लिए भी फौजदार खान ने शीश महल, दिल्ली दरवाजा, झज्जर गेट, सरबसीरपुर गेट, पाली दगीची, खुरमपुर गेट, बुर्ज बावरी आदि कुल 8 गेट बनवा किलेबंदी की थी। 1732 में गौसली शाह द्वारा बनवाई गई बावरी मजबूती से खड़ी है। इन ऐतिहासिक इमारतों व अन्य निर्माणों के रखरखाव को लेकर पुरातत्व विभाग की अब नींद खुली है। फर्रुख नगर मुगलों की आलीशान कलात्मकता वास्तुकला को कक्ष अपने में समेटे है। फौजदार खान द्वारा बनवाई गई ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है फर्रुख नगर का शीश महल। यह महल लाल बलुआ पत्थर, लाखौरी ईंटों और झज्जर स्टोन से बना हुआ है। इस शीश महल को मुगल शासक फौजदार खान ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। शीश महल तीन तरफ दो मंजिला इमारतों से घिरा है जिनमें अनेक कमरे हैं। शीश महल के नीचे एक खुफिया सुरंग भी है। यह सुरंग किले के बाहर कुछ दूरी पर एक बावड़ी में निकलती है। वहां पर रानी रोज स्नान के लिए जाती थी। सुरंगों में रोशनी व हवा के लिए स्लिट टाइप के खुले स्थान छोड़े दिए जाते थे। ऐसी ही व्यवस्था मैंने ग्वालियर के किले में देखी थी। वहां पहाड़ी पर 200 से 300 फीट गहराई पर कमरे की छत के नीचे खुली लंबी खिड़कियों से हवा व रोशनी की भरपूर व्यवस्था थी। ऐसा लगता था जैसे रोड जगमगा रही हो। ऐसे प्राचीन आर्किटेक्ट व इतिहास को संरक्षित करना ही चाहिए। शहर एक अष्टकोणीय पैटर्न का अनुसरण करता है। शहर का इतिहास व इमारतों की भव्यता दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है।